खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर ग्राम पंचायत ने जिंदा व्यक्ति को दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। एक जिंदा व्यक्ति को ग्राम पंचायत ने कर दिया मृत घोषित। अपने आप को जीवित साबित करने के लिए लगा रहा अधिकारियों के चक्कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली नसरुल्लागंज तहसील इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। कई तरह की असामान्य घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। एक दिलचस्प मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें हमीदगंज ग्राम पंचायत ने एक गरीब व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा 6 साल पहले मृत घोषित कर दिया और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिया, जिससे गरीब आदिवासी व्यक्ति को मिलने वाली सभी सरकारी योजनाएं बंद हो गई, जिसके कारण मनसा लाल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत की एक लापरवाही गरीब व्यक्ति पर भारी पड़ गई, जिसके कारण आज भी अपने आप को जिंदा करने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक वाक्य है कि एक व्यक्ति को अपने जिंदा होने के सबूत देने पड़ रहे हैं। इसके चलते वह तहसील के चक्कर काट रहे हैं, कोई उसे जिंदा कर दे। पूरा मामला जब मीडिया द्वारा एसडीएम के सामने लाया गया तो प्रशासन अपनी हरकत में आया और नसरुल्लागंज अनुविभागीय अधिकारी दिनेश सिंह तोमर ने इसके जांच के आदेश दिए और दोषियों के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही। देखिए, शिवराज चौहान की सरकार में सब कुछ संभव है। जिंदे आदमी को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। और मेरा अपना उदाहरण देखिए, मैं जब आदिवासी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज उठाता हूँ तो मुझे पिछले कई दिनों से लगातार अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हमारे गांव के मनसाराम जी, जिनको 2014 में मृत घोषित कर दिया इसी शिवराज चौहान की सरकार के रहते, और उनकी तमाम योजनाएं भी बंद कर दी गई जो शासन की ओर से गरीबों को जो लाभान्वित किया जाता है। ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, किसी को कोई कुछ नहीं लेना देना कि किसी जनता का क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। जिंदा आदमी अगर सरकार के तमाम गलत अधिकारियों की वजह से अगर वो मृत घोषित हो जाता है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्म बात कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और तमाम जो मैं समझता हूँ जो संबंधित जो मुख्य अधिकारी हैं वो उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनसाराम पटेल। तो मंजराम जी, जो पटेल साहब, जो ये है कि आपको सरकार के तरफ से आपको मृत्यु घोषित कर दिया गया है, तो उसमें क्या कारण रहा? साहब मेरे को पता नहीं, कोई सिक्योरिटी साहब, कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा सिक्योरिटी साहब ने कहीं वाला कैसा कहीं कर दिया है, तो ऐसा क्या हुआ कि जो कि सरपंच ने, सेक्रेटरी ने आपको मृत्यु घोषित, कोई कारण? साहब मेरी सुना कड़ी, मैंने लिए कुछ झुग्गी ली थी तो मैंने बोल दिया मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं पैसा नहीं, कहीं नहीं, मैंने अभी आया तो तुमने बांध दो। तो एक महीना तक ने की कि यार हाँ मैं बांध दो तो मैंने बांध दिया नहीं। उन्होंने आखिरी पर की मेरे को अभी किसी डाल दी तो दो किसी डाली, बाद में ये ऐसा काम कर दिया मेरा। तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिला इसका? हाँ मिला, नहीं मैं वो बना के दिया मेरे को मृत्यु प्रमाण पत्र। आप जब जीवित हैं तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों दिया गया? आप कहीं साहब मैं आप पढ़ा दी, मेरे को दिखे नहीं है बात में। तो इसमें सरपंच सेक्रेटरी से आपने आगे वो नहीं करा? नहीं करा, अभी करा है। तो कलेक्टर साहब हुए या फिर एसडीएम हुए? कुछ नहीं किया ही नहीं हमने, मैं उनका हाथ पांच जोड़े के कर दो भाई, कि अपन बुराई नहीं ले सका, दोनों मर गए, मैं तेरा से मरूं भी नहीं, ये बोला। ठीक। ग्राम पंचायत हमीदगंज है, जहाँ पे एक बुजुर्ग हैं मनसाराम जी, उनको सचिव या पंचायत माने या प्रशासन माने, उनके द्वारा मृत घोषित कर दिया उनको 2014 में। आपने ये बात मेरे संज्ञान में लाए हैं, इसमें आपने बताया कि मनसाराम जी की मृत्यु नहीं हुई किंतु पंचायत के द्वारा उसको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इसके संबंध में मैंने आपको आपके सामने बताया, मैंने नायब साहब से, हमारे गोपालपुर के हैं, उनसे जांच कराएंगे, और यदि ये गलत जारी हुआ होगा तो उसके संबंध के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद।